व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल टू कुक विद आयजासिम के डेली रूटीन ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मैं बहुत ही ज़्यादा हार्टली वेलकम करती हूँ मेरे न्यू सब्सक्राइबर, मेरे न्यू व्यूअर्स का जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे से कमेंट और इतने अच्छे से मुझे मोटिवेट किया है। थैंक यू वेरी मच गाइज। नमाज भी मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी थी और तहज्जुद भी मैंने अदा कर ली थी और फटाफट से मैं आ गई थी किचन में। हो रहा था सहरी का वक्त तो फटाफट से मैं कर लूँगी यहाँ पे सहरी की तैयारी। तो फिश मेरे पास लेफ्ट ओवर थी जिसे मैंने मैरिनेट करके रखा था, तो उसी को मैंने फ्राई कर लिया और इसमें साथ में था जी ये मेरे पास ऑनियन राइस, तो उसी के साथ हमारी यम्मी सी सहरी हो रही थी। और साथ में मैंने थोड़े सी डाल दिए थे रोटियाँ जिसको हम खाने वाले थे जी कर्ड और शुगर के साथ। तो रोटी तो हर हमेशा एवरीडे हमें चाहिए ही चाहिए, तो रोटी के साथ थोड़ा सा राइस हम एंजॉय कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था जी मेरा यम्मी और डिलीशियस सा सहरी रेसिपी। और साथ ही साथ मैंने रख दी है यहाँ पे दूसरी साइड पर चाय। कंप्लीट हो गई थी जी हमारा सारा सहरी का रूटीन, तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। तो हो गई थी जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो शरबत की तैयारी कर दी और इसको मैं स्टोर कर दूँगी जी फ्रिज में। तो कभी मैं मिल्क वाला शरबत बना लेती हूँ और कभी वाटर वाला। तो मेरे बच्चों को चाहिए था जी ए रूह अफ़ज़ा का वाटर वाला भी शरबत, तो साथ ही साथ मैंने दोनों भी शरबत बना कर स्टोर कर दिए थे फ्रिज में। और ये था जी हमारा यम्मी सा इफ्तारी। और साथ ही साथ मेरे सारे घर के भी काम हो चुके थे दिन भर, तो वो मैं इतना ज़्यादा इसमें शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो जिसमें मैंने बनाया था जी एकदम सिंपल सा चिकन करी, तो इसमें सबसे पहले जी मैंने ले लिया यहाँ पे पैन। तो मैंने इसमें धनिया, साबुत धनिया, ज़ीरा, 3 इलायची लिए थे मैंने और साथ ही साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, तो उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। चलिए यहाँ पर ले लेती हूँ पैन। उसमें मैं ऐड कर लूँगी जी ऑयल 6 to 7 टेबलस्पून ऑयल और साथ में मैं ऐड कर दूंगी जी चिकन के पीसेस। साथ ही साथ मैंने निकाल लिए यहाँ पर टमाटर, अराउंड 5 to 6 टमाटर्स मैंने ले लिए। तो इस तरह से मैं हाफ ऑफ कट करके सारे चिकन में इस तरह से 1 by 1 रख दूंगी। ओह माय गॉड, अरे ये टमाटर तो मेरे हाथ से छूट कर नीचे गिर ही गया था। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। तो 1 by 1 मैंने इस तरह से स्प्रेड कर दिया और लिड मैंने क्लोज कर दिया। और यहाँ पर देखिए मैं मैशर की मदद से अपने हाथों से ही मैश कर रही हूँ। इसको जस्ट हमें दरदरा सा ही मैश करना है, ज़्यादा ओवर इसका एकदम पाउडर, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आसानी से सारे टमाटर के छिलके भी यहाँ पर उतर चुके हैं। अभी मैं टमाटर को अच्छे से मैश करके चिकन में इवनली मिक्स कर दूँगी। तो अच्छे से मैं इसको मैश करूँगी 1 by 1। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे ये चिकन में ही। तो साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी जी इसमें कर्ड, अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ कर्ड मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, तो उसी को मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फाइनली करूँगी अच्छे से मिक्स। तो मेरे पास थोड़ा सा चिकन कम लग रहा था तो मेरे पास कुछ पीसेस और थी, तो वो भी मैंने ऐड कर लिया था इसमें। और जिस जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा सून। और साथ ही मैंने ऐड कर दिया जी थोड़ा सा यहाँ पर साल्ट और ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी, नेवरलैंड रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून और साथ ही साथ मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए अभी मैं ऐड करूँगी जी ये होममेड मसाला जो मैंने अभी दरदरा से इसको बनाया था, तो वो मैं 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूँगी। और अभी इस पॉइंट पर हमें अच्छे से करना है जी इसको, तो इसको अच्छे से अभी भूनते जाएंगे। जस्ट कर्ड के वाटर में ही ये सारा चिकन अच्छे से गल जाएगा, हमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए स्लो फ्लेम पे मैंने लगा दिया था, तो ज़बरदस्त हमारा ग्रेवी बन रहा है जी यहाँ पर। और साथ ही साथ मैंने यहाँ तैयारी कर रही हूँ घी राइस की। तो चलिए ये जो मसाला अभी बचा हुआ है इसको मैं स्टोर कर लूँगी एक छोटे से मैजिक सी डिब्बी में। तो चलिए यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, थोड़ा सा ऑनियन एंड मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। फिर मैं ऐड कर दूंगी जी इसमें थोड़ा सा वाटर। तो अच्छे से ये सारे मसाले पक चुके हैं और वाटर भी अच्छे से गर्म हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं ऐड कर दूंगी जी राइस एंड ऐड कर दूंगी जी सॉल्ट एज पर टेस्ट, क्योंकि इसके साथ मुझे साइड डिश में चाहिए था जी राइस, तो मैंने सिंपल सा घी राइस बना लिया था। ग्रेवी मेरी बन के हो गई है एकदम परफेक्टली डन। तो थोड़ा सा मैं इसमें मैजिक मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी और गार्निशिंग के लिए मैंने कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिए हैं। चलिए इसको करते हैं अभी डिश आउट।
तो माशाल्लाह कितना दानेदार ये ग्रेवी बन के हुआ है रेडी, एकदम सिंपल और होममेड मसालों के साथ मैंने इसको तैयार किया है। क्योंकि बच्चे भी मेरे खाते हैं ना, तो मैं ज़्यादा इसमें गरम मसाला वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के आपके घर में जो भी अवेलेबल हो उसी के साथ आप अच्छे अच्छे से डिशेस बना सकते हैं। तो ये हो गया था जी मेरा ग्रेवी रेडी, और साथ ही साथ मैंने सारे बर्तन भी वॉश कर दिए थे और किचन काउंटर भी मेरा हो गया था जी एकदम चमाचमचम। तो साथ ही साथ मेरे सारे काम कर दिए, और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कुकिंग के वक्त, ये मैं बता नहीं सकती, इसलिए मैंने ठंडा ठंडा सा शरबत पी लिया ताकि मेरी एनर्जी फिर से डाउनलोड हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी जी मेरी छोटी मोटी सी तैयारी फ्रॉम सहरी टू इफ्तारी का रूटीन। तो आप सबको कैसे लगा मेरी सहरी टू इफ्तारी का रूटीन, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई डिश नई विश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।